ये हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट ले लीजिए। हमने यहाँ लिया है काजू, बादाम और किशमिश। सबको अच्छा छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे हमें बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। थोड़ा सा घी डालकर और धीमी धीमी आंच पर इसे बढ़िया रोस्ट करेंगे और फिर इसे हम निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। तो ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से हमने रोस्ट कर लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे घी। यहाँ हमने 2 चम्मच घी लेना है। देखिए 2 चम्मच हमने यहाँ घी ले लिया है। गर्मी के दिनों में घी पिघला हुआ ही होता है, इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब इसमें ये डाल देंगे सेवई, ये जो बॉम्बिनो मिलती है ना, बॉम्बिनो सेवई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे सेवई की खीर। पहले के दिनों में क्या होता था ना कि सेवई घर में गेहूं के आटे से सेवई बनाई जाती थी, और अब जो है अब तो रेडीमेड मिल जाती है। आज हम बॉम्बिनो सेवई बनाने वाले हैं। जो बॉम्बिनो सेवई बनती है इसको आप मीठा भी बना सकते हैं और इसका नमकीन भी बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं सेवई मीठी वाली, यानी कि सेवई की खीर बनाने वाले हैं। तो आज हम बना रहे हैं ये बॉम्बिनो सेवई की खीर। तो घी में देखिए सेवई को हम बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर, लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से इसे थोड़ी देर तक इसे रोस्ट करना है, जब तक कि इसका कलर बहुत अच्छा सुनहरा ना हो जाए। और अब इसमें हम डाल देंगे दूध। ये दूध को हमने पहले ही बॉईल करके रख दिया है, तो ये अच्छा बॉईल किया हुआ दूध है। इसको अब हम इस कढ़ाई में डाल देंगे और इसमें अभी हमें सेवई को अच्छे से पकाना है। तो यहाँ हमने अभी 1/2 लीटर दूध डाला है और इसमें सेवई को हमें बहुत अच्छे से पकाना है। ये देखिए इसमें अच्छा उबाल आ गया है और सेवई को हम चेक भी कर लेंगे कि वो अच्छे से पकी है कि नहीं। ये अच्छी सॉफ्ट हो गई है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार शक्कर। शक्कर यहाँ करीब 4 से 5 चम्मच हमने शक्कर ली है। आप अपने स्वाद अनुसार शक्कर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब शक्कर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से घुलने देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जिसको हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। ये देखिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने रख दिए हैं ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। अब देखिए इसमें दूध थोड़ा सा हमें कम दिखाई दे रहा है, तो अभी दूध हमने थोड़ा सा और डाल दिया है, क्योंकि ये जो सेवई जब बनती है ना, ये ठंडी होने के बाद में जब तक हम इसे बना लेते हैं और जब सर्व करते हैं तो ठंडी होते तक ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, पक जाने के बाद भी हमें देख लेना है कि इसमें दूध की आवश्यकता और है या नहीं है। इसे थोड़ी सी ऐसे हमें लिक्विड फॉर्म में ही रखना है। अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो बाद में फिर थोड़ी सी सूखे जैसी बनती है, इसलिए इसे हमें थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ही रखना है। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स और इलायची डल गए हैं और शक्कर भी हमारी बहुत अच्छे से घुल गई है और ये सेवई की खीर बनके रेडी हो गई है। अब इसे हमें सर्व करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे करीब 15 मिनट हो गए हैं ये सेवई की खीर जब हमने बनाई थी, तो देखिए ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है ना। ये जो दूध होता है ये और एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए हमें थोड़ा सा उसे लिक्विड फॉर्म में ही रखना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड्स इसे सर्व करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, यम्मी और बहुत ही इजी रेसिपी। आपको जब भी खाने का मन करे कुछ मीठा, तो आप इसे बहुत जल्दी आप बनाकर खा सकते हैं और मेहमानों को भी आप खिला सकते हैं। ये देखिए हमने निकाल लिया है ये खाने के लिए सेवैया, और इसके ऊपर हमने डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसे लगती है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक
आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार। और हाँ, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।